पूर्वक तरीके से आदिवासियों को खत्म करने का। हेलो एंड वेलकम मित्रों, मैं हूं प्रकाश चंद्र बील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। आप हमारे चैनल पर बने रहे, आपको हमारे आदिवासी भील शहीद स्थल का हम वीडियो दिखा रहे हैं और यहाँ काफी सारे हमारे आदिवासी परिवार के भाई बंधु आए हुए हैं और इस ऐतिहासिक महोत्सव में आपको दिखाते हैं कौन कौन है। तो हमारे इस लाइव पर बने रहे, सबका स्पीच आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चलते हैं हम स्टेज की तरफ और दिखाते हैं हम आपको भव्य इस कार्यक्रम का समारोह। ठान के काम करना होगा, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब जोहार जगदीश भाई पांडोर जो खलासा से यहाँ। हेलो हेलो, तो अंत में मैं मांगीलाल जी निनावा साहब भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक जो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इनको भी आप सुनकर जाएं। हाँ इनको नाम ले लिया है, इस बात आज के इस भूला वालोरिया की पावन हमारा सामान जागृत हुआ तो वो क्या कहने लग गए कि राणा पूजा भील नहीं था, वो हमारा सोलंकी था, राजपूत था। मान लेते हैं आपका पूजा राजपूत था, तो मैं कहना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं जनजाति सुरक्षा मंच से कि आज राजपूत अंदर कितने राजपूतों का नाम पूजा है बताएं। सही बात बोला दादा ने, कितने राजपूतों का नाम पूजा है बताएं हमको, एक का भी नाम नहीं मिलेगा। जो सोलंकी राजपूत बताते हैं वो कमेंट करके बताएं सर, सालो कितना समय हो गया तुम सोलंकी राजपूत राजपूत करते करते राणा पूजा को, पूरा पूरा रहता था, अब जवाब दो ना, बदवार नहीं था तो बच्चो लावरे केलवाड़ा में राणा पूंजा की मूर्ति टूटी तब तुम नहीं बोले थे मंगलवार के दिन था तो मंगल, अब बोल रहे हो राणा पूंजा राजपूत है। थावर में दाड़े थावरो सबने अपने अपने नाम ने अपने पूर्वज पुरखा की मांजो थको मांजो नाम पड़ता, तो हमारे बाप दादा पूर्वजों की जो पहचान है वो नाम से हो जाती है मेरे भाइयों। तो पूजा भील था ये एक नाम से पता चल रहा है कि वो इस देश के मालिक का बीज है, मालिक है मेरे भाइयों, ये हमारे नाम से पहचान पता चलती है। जबरदस्ती मर्जी पड़े वहां घुसेड़ने से काम नहीं चलेगा, अब यह समुदाय जाग चुका और समझ चुका है, यह जो सिरो इलाका है, यह जो बांसवाड़ा है, यह डूंगरपुर है, यह प्रतापगढ़ है, यह जो उदयपुर है, यह ना मुगलों का गुलाम बना, ना अंग्रेजों का गुलाम बना और ना ही राजे रजवाड़ों का गुलाम बना, यह तय हो चुका है और क्लियर हो चुका है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दक्षिण राजस्थान का आदिवासी किसी का गुलाम नहीं बना और उसमें भी भील आदिवासी किसी का गुलाम नहीं बना, ये इतिहास में दर्ज है। और आज हम लोग उस इतिहास को भूल चुके हैं, उसको भिलाने के पीछे हमारे एरिया में सबसे बड़ा षड्यंत्र है छट्टादारी गैंग का। पहले बनाया वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी से दाल नहीं गली तो आप बोले जनजाति सुरक्षा मंच, ऐसे दाले बनाने की खूब कोशिश करेंगे लेकिन ऐसे नांगड़ों को नंगा करके भगाने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि जो बिरसा मुंडा हुए वो किसी पार्टी के नहीं थे, किसी संगठन के नहीं थे, राणा पूजा भील हुए वो किसी पार्टी के नहीं थे, किसी
लाखिया बिल, कानिया बिल, सुरता बिल, नाथिया बिल, ये हुए, ये किसी पार्टी के नहीं थे, ये सामाजिक क्रांति के लोग थे और समाज का खून इसमें था और वो इस देश के मालिक थे, ये उनको अच्छी तरह से पता था। मालिक मालिक बन करके लड़ा, हमको भी मालिक बन करके लड़ने की जरूरत है मेरे साथियों। ये पार्टियां हमारा कल्याण नहीं करेगी। अगर जनजाति मंच उनके अंदर औकात है तो ये चीज करके बता दे, बीजेपी के अंदर औकात है तो ये पावर दे करके बता दे, कांग्रेस के अंदर ये पावर औकात है तो करके बताए, हम आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है हम बाहर से आए हुए बीज हैं, ठगारे बन के आए हैं, भिखारी बन के आए हैं, चोर बन के आए हैं, डकैत बन के आए हैं। वो चाहते हैं मालिक है उनको गुलाम बन के रख करके रखे, इसीलिए वो लोग कोई हिंदूकरण की नीति चलाते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमकरण की कोई नीति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच चलाने की कोशिश करते हैं, ईसाईकरण की कोई नीति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, आसाराम बापू की भक्ति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे टुकड़े करना चाहते हैं। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, ये धर्म नाम की बीमारी हमारे आदिवासियों का टुकड़े करने के लिए ये लोग दूसरे देशों से आए हुए लोग हमारे लोगों के बीच में डाल रहे हैं। हमारे समाज को इस धर्म मुक्त, हमारी प्रकृति पूजा जो हमारे बाप दादाओं की पहचान है उसको अपने हाथ में लेनी होगी, ये ढोंग धतूरे पाखंड दूर करने होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे साथियों। हमारे बाप दादाओं की बदौलत, लड़ाई की बदौलत, हमारे बलिदानों की बदौलत हमको मिले अधिकारों पर है, हमारे बाप दादाओं की बदौलत आज जो हमको संस्कार मिला हुए, जो संस्कृति मिली हुई है उसको खत्म करने की नजर उनकी है, इसलिए वो लगा रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठेकेदार लगा दिया उन्होंने, मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी है, तो वो लोग चाहते हैं इसको पता नहीं चलना चाहिए इसके पिताजी का नाम शांतिलाल जी है। शांतिलाल जी का नाम हटवा करके उन्होंने कांतिलाल जी का नाम मुझे पकड़ा दिया और हमने पकड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देश के मालिकों को लूटने के लिए तरीके लगाए हैं, देश के मालिकों को वापस मालिक बनना है, और ये धर्म के तुमड़े पाखंड ढोंग धतूरा नाजायज औलादों की जितनी भी धतूरे हैं उन सबको दूर करने की जरूरत है या नहीं है? है, बहुत सारों को अभी भी पच नहीं रहा है कि कैसे दूर कर दे, कैसे दूर कर दे। अरे साथियों 14 से 15 साल तक मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस उसके शाखा में ले गए, एक ही बात सिखाई, बोलो महाराणा प्रताप की। हम जोर जोर से बोलते थे जय महाराणा प्रताप की, वो बोलते थे जय शिवा सरदार की, हम और जोश में बोलते थे जय शिवा सरदार की, पालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की, हम बोलते थे हालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर धीरे धीरे जब आदिवासी परिवार के जन जागरण में मुझे पता चला कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, राणा पूंजा भील, कालीबाई कलासुआ, नाना भाई खान, नरुआ ननामा, माला कटारा, ऐसे लोग हैं। फिर समझ में आई, अरे साला ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये तो इनके बाप दादाओं की जय बुलवाते हैं हमसे, हमारे बाप दादाओं की जय कभी नहीं बुलवाते हैं, उसके बावजूद संगा दक्षा करते करते हम उसके पीछे चले जाते हैं। कि उनके बाप दादाओं की जय हमसे करवाई,
और धीरे धीरे जय करते करते हमारे बहुत सारे हमारे अपने भाइयों को उनका बना लिया और उनके दिमाग में ये घुसा लिया कि उसके पश्चात में यहाँ पर अभी हमारे विशेष वक्ता हैं श्रीमान एमएलए साहब एवं माननीय भवनलाल जी परमार साहब जो बहुत ही हमारे एक प्रकार से वैचारिक गुरु हैं जिन्होंने पूरे अपने इस आदिवासी बेल्ट में और अन्य राज्य में जहां पर भी आदिवासी रहते हैं उनको जगाने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं खुद भी इनसे पहली बार जब इनका भाषण सुना था उस समय से प्रेरित हुआ था और आज भी मैं इनको मानता हूं और वास्तव में इनकी जो शैली है इनका जो बोलने का तरीका है जो समझाने का तरीका है और इनके पास जो तथ्य हैं वो बहुत ही मतलब बढ़िया हर जानकारी इनके पास मौजूद है। तो आप सुनिए बैठिए और धैर्य रखिए एकदम से उठकर कोई नहीं जाए सुनने का मादा रखें आप सुनने आए हैं तो इन वक्ताओं को जरूर सुने। तो देखो कौन आया जोहार दादा आप सभी भाई बहनों को बेटियों को बेटों को सबको जय जोहार। आज हम लोग भूला में लिलुड़ी बटली की शहादत के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे पूर्वजों की शहीदी को नमन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों ने सुबह से करीब 12 बजे से अभी तक कई वक्ताओं को सुना उन्होंने अच्छी जानकारी दिया। मेरे भाइयों भाइयों आपने बहुत सारी बातें सुनी यहाँ के पंच पटेल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा उसके लिए पूरे भील प्रदेश का आदिवासी आपको बहुत शुक्रिया अदा करता है। मेरे भाइयों यहाँ पर मुख्यतः भील और ग्रासिया के बारे में बात हुई लेकिन मेरे जानकारी में आया है कि जालौर और सिरोही में बहुत सारी मीणा कम्युनिटी रहती है ये सही है कि गलत है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीणा लोग तो मछली से पैदा हुए हैं आप किससे पैदा हुए हो है? इंसान इंसान से पैदा हो सकता है मछली से पैदा नहीं हो सकता ये मैं नहीं कह रहा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो हम मां बाप से पैदा हुए हैं कि मछली से पैदा हुए हैं? तो आप मीणा नहीं है। वैसे भी हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है तो आप कहां से आए ये मैं कहना चाहता हूं। अब उधर देख लीजिए अजमेर अजमेर में क्या शब्द है मेर बाड़मेर क्या शब्द है मेर जैसलमेर क्या शब्द है मेर 1880 के आसपास मेवाड़ रियासत का दरबारी कवि श्यामल दास ने लिखा कि मेवाड़ रियासत की आधी से ज्यादा जनता भील मीना और मेर है जो लड़ाकू कौम है। भील मीना मेर जो लड़ाकू कौम है तो ये मेर आदिवासी कहां गए कहां गए? जिस तरीके से हमारे इलाके में भीलों को मीणा बनाया उस तरीके से मेरे को लगता है कि ये अजमेर से इस पट्टी में जो मेर आदिवासी थे उनको भी मीणा बनाया गया ऐसा मुझे लगता है। आप लोग इसका पता लगाइए क्या ये बात सही है या गलत है? यदि आपको सही लगती है तो
तो आपको पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। खेड़ ब्रह्मा है और आपका ये इलाका है, ये बारावली का इलाका है, वो सबसे ज्यादा आदिवासियों का, भील आदिवासियों का, पूरे देश के भील आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र जगह है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी है। यहां से निकल करके हमारे पूर्वज नदी के सहारे सहारे गए होंगे और आगे जा करके सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर सुरकोटड़ा बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर रंगपुर बसाया होगा, सिंधु घाटी का धोलावीगरा नगर बसाया होगा। ये क्योंकि यहां से ही नदियां निकली। अब दो ही वही वहां से लोग विस्थापित हुए तो वो वापस हमारे इलाके में आए और उन्हीं के वंशज आज हम हैं। वहां से आने वाले लोग जब उस इलाके के अंदर बाहर से जो विदेशी लोग आए उनका कब्जा हो गया तो उन्हीं पूर्वजों ने सबसे पहले आकर के आबूगढ़ पर सबसे पहला हमारा राज कायम किया था। आप इतिहास पढ़ लेना, मारवाड़ के अंदर 9 राज्य थे आदिवासियों के, 9 मारवाड़ में और 9 आदिवासियों के राज्य थे। उन राज्यों को सबसे पहले नागवंशी लोगों ने जीता। ध्यान रखिए, भील आदिवासियों के 9 राज्य थे मारवाड़ में, उनको नागवंशी लोगों ने जीता उस समय, ये पकड़ और नागवंशी लोगों को राजपूतों ने जीता, गुर्जर प्रतिहार चौहान इन लोगों ने। और इसके बाद में आपका चावड़ा चालुक्य इन लोगों का राज आता है और अंत में राठौड़ों का राज आता है। खेड़ ब्रह्मा ईडर में राठौड़ लोगों का राज हुआ, पाली के अंदर राठौड़ों का राज हुआ, जोधपुर में राठौड़ों का राज हुआ और पिछले दिनों हम बिनमाल आए थे जसवंतपुरा में, लोहियागढ़ के क्या नाम है, वहां पर भी भील आदिवासियों का राज था, उसको भी राठौड़ ने जीता था। ये बात सिद्ध होती है तो आबूगढ़ हमारे पूर्वजों का सबसे पहला राज था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस मारवाड़ के सभी आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि आबूगढ़ पर, आबू पर्वत पर जिन भी आदिवासियों को ये घर बनाने नहीं दिया जा रहा है उनके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ा जन जागरण पूरे इलाके में फैला करके कोटड़ा के बाद हो सकता है आबूगढ़ भी जाएंगे हम लोग, पूरे देश का भील आदिवासी बुलाएंगे हम लोग। और आज हम लोग भील प्रदेश का वहां झंडा भी गाड़ करके आए हैं। आबूगढ़ सबसे पहला हमारा राज था, इसलिए इन इतिहासकारों ने लिखा, क्या लिखा, अग्नि संस्कार करके उसको 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 राजपूत बनाया। कह रहे कि कह रहे हैं अग्नि संस्कार करके, कब किया कोई पता नहीं। ये लिलुड़ी बडली में इतनी बड़ी घटना 1922 में हो गई, ये तुम्हारा रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा, एक लाइन नहीं लिखा, लिखा क्या, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ये रोहिड़ा का, ये थाना इधर रोहिड़ा ही लगता शायद है, ये रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा जिसने पूरे राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास लिखा, हमारे डूंगरपुर का भी इतिहास लिखा, बांसवाड़ा का भी लिखा, प्रतापगढ़ का भी लिखा, उदयपुर का भी लिखा, उसने लिलुड़ी बडली भूला के इतने बड़े हत्याकांड की एक लाइन लिखी तो कितना निष्पक्ष था इतिहास का, इतिहास चोर था, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। अपने घर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखा।
तो कितने हमारे इतिहास की चोरी हुई। और ये तुम्हारे कोटड़ा के अंदर लोग कह रहे हैं कि महान राणा पूजा भील हमारा पूर्वज है। अरे भाई, हम तो पहले ही कह रहे तुम हमारे ही बच्चे हो, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? अभी बेचारी एक महिला ने किताब लिखी, कुसुम मेघवाल का नाम सुना है? उसके लिए बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। और ये गारंटी है, इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर करीब 30% राजपूत भील वंश से ही संस्कारित है। गुजरात में भी ये तय है। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भील कार्य हरों ने छोड़े दारू छोड़े 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 सुड़ावी सुड़ावी थाकी गया, पण भील हरो सोड़वा बदले तैयार ने है। और यही लक्षण राजपूतों में। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मंथन करिएगा। सारे नहीं कह रहा हूं, 20-30% की बात कर रहा हूं। आप लोग व्यापार करने कर सकते हो? आप में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल आज की तारीख में व्यापारी बन गया। कलाल पटेल लोग आज की तारीख में व्यापारी हो गए। भील आज भी व्यापार नहीं कर पा रहा है। राजपूतों में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल नहीं, कलाल कर सकता है, राजपूत व्यापार क्यों नहीं कर सकते? डीएनए में नहीं है। किस किस के डीएनए में नहीं है? समझ गए? इसलिए इतिहास को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जिस दिन 5% राजपूत समाज के लोगों ने यह बात समझ ली, जिस दिन, मैं कह रहा हूं उनको हमारे अंदर शामिल नहीं करना है, लेकिन जिस दिन 5% राजपूत समाज को यह बात समझ में आ गई कि भील समाज के साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता है, इतना सा समझ में आ गया, उस दिन हमारा शोषण दमन रुक जाएगा। इसलिए ये बात भी हमें बोलने की आवश्यकता है, भले बुरा लगे। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हल्दी घाटी के समय में हमने राजपूत रजवाड़ों को मदद किया था, किया था कि नहीं किया था? अच्छे तरीके समझिए, जो भी पढ़े लिखे भाई है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, सेनापति कौन था अकबर का? अकबर का सेनापति कौन था? हाँ शाबाश बेटा, बताइए, खड़े होकर बोलिए, इधर आके। मान सिंह। रुकिए बेटा, मान सिंह सिंह ध्यान रखिए। वो कहाँ का राजकुमार था बेटा? जयपुर का। अब आप कहते हो कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। एक ही बेटी ने सिद्ध कर दिया कि डूंगरपुर का भीलों का डीएनए और यहाँ के भीलों का डीएनए एक है, एक जैसे बुद्धिमान है। एक बेटी को, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एक बेटी को पता है कि अकबर का सेनापति मानसिंह था और वो जयपुर का राजकुमार था, ये एक बेटी को पता है। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। अच्छा, महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। वो हिंदू था मुसलमान था? मुसलमान। राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत आया था। और इधर से कौन कौन लड़ रहे थे? आपका
ग्वालियर का हारा हुआ राजा राम सिंह तोमर, ये अफगान लोग, हकीम खास सूर अफगान था, वो भी हारे हुए लोग थे, वो भी लड़े। मेवाड़ का महाराणा प्रताप थे और भील लोगों ने भी उन लोगों को सहयोग किया, तब जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और इसके बाद देखिए, राणा प्रताप को पूरे 20 साल तक भीलों ने सुरक्षा दिया। उस टाइम में किस किस ने राणा प्रताप को सहायता की, भील के अलावा किसी का नाम नहीं आ रहा है। 20 साल जिन लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे बाप लड़े, 20 साल तक राणा प्रताप की हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा किया। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब ये क्या कर रहे थे बताओ? जब मुगल लोगों ने आक्रमण किया हमारे पूर्वजों ने उनको सहयोग किया, जब अंग्रेजों से हमारे बाप लड़ रहे थे भूला भालोरिया में, लिलुड़ी पटली में लड़ रहे थे, पाल चित्रिया में लड़ रहे थे, मानगढ़ में भी लड़ रहे थे, तब ये चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, देश का मालिक कौन है, यह समझने की जरूरत है। और आज जनजाति सुरक्षा मंच के लोग उन्हीं को साथ में लेके घूम रहे हैं और हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। एक बार भंवरलाल परमार के कैडर में तो आ जाओ, तुम्हारा एक सवाल, तुम लोग मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। आ जाओ, मैं ऐलान करता हूं लिदुड़ी पट्टी में, आज जिसको भी प्रेस करनी है आ जाओ, भंवरलाल परमार एक भील को हरा के दिखा दो, आ जाओ, ये मेरा चैलेंज है, एक भील को हरा के दिखा दीजिए। नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं ओरिजिनल बाप की संतान हूँ, ओरिजिनल माँ की संतान हूँ, ओरिजिनल भील का डीएनए हूँ, ये मैं साबित कर सकता हूँ। और एक बात, खड़क आंदोलन हुआ था भाइयों, समझना, खड़क आंदोलन हुआ था 1881 में। उस समय में ये रजवाड़े वाले किसकी तरफ थे, किसकी तरफ थे? खड़क आंदोलन भौमट में दो बड़े आंदोलन हुए, एक लिलुड़ी बटली का, एक पाल चितरिया का, वो भौमट का ही आंदोलन है। उस समय वो लोग किधर थे, इससे साबित होता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, स्वाभिमान कौन कौन है, देश का मालिक कौन है, यह बात साबित होती है। क्या कहना चाहता हूं मैं कोई वोट लड़ने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं नेता पैदा करने का हुनर जानता हूं। जना माते पीली, जना अंगारा माते भुबेर पड़ी लीवे, राग पड़ी लीवे, ई मारी फोक थकी भुबेर जागी जाए। ने एक फरो भील जागी गयो तो पसे सीतरा भागी नहीं भी है, मने पतो है, मन कनी तो औकात हूं है। और ये हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। ये भाई यहाँ पर बता रहे हैं और ये अपना वक्त प्रदान करेंगे यहाँ पर लिलुड़ी पटली शहीद स्मारक पर। जीतू भाई बेल जोधपुर। बूढ़ी माइतों ने प्रणाम, युवा साथियों ने जय जवाहर, सभी साथियों को जय जवाहर। आज हमारे पूर्वजों ने जो अपने समाज के लिए बलिदानी दी उनको नमन करता हूँ। और आगे जो बात करना है, बड़ी बड़ी बातें तो जो जो लीडर हैं समाज को लेकर आगे एक नई दिशा में जाएंगे वो अपने हमारे बीच में भंवर दादा है, कांदी दादा है बताएंगे, मगर मैं आपको दो चार छोटी बातें बताता हूँ। शुरुआत से जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो पहली क्लास में एडमिशन होता है,
उसी तरह का उसी तरह तरीके से जो हमारे समाज के लीडर हैं उन सबको, आप कहीं पर भी जाते हो तो MBA की डिग्री ना बताएं, आपको शुरुआत से समाज को लेकर चलना होगा। जैसे एक नंबर क्लास में एडमिशन होता है बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं, उसी तरह आपको भी समाज में गाइड करना है सबको। आप सबको पता है कि हमें 70 साल में लोगों ने अपने अपने झंडे दिए हैं, अपने अपने फंक्शन करवाए, अपने अपनी पार्टियां ज्वाइन करवाई, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आदिवासी आप हो, आप इस देश के मूल मालिक हो, आपके मूल अधिकार ये हैं, ये किसी ने नहीं कहा। मगर जब से आदिवासी मूवमेंट, आदिवासी विचारधारा हर देश के हर कोने में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, जब से आदिवासी विचारधारा आई है तब से आपका विकास होना शुरू हो गया है, तब आपका प्यार भावना बैठना उठना सब चेंज हो गया है। अब ये देख लो, तो हम लोग सभी जगह अपनी अपनी जो टीमें काम कर रही है, जितने भी राज्यों में काम कर रही है, तो उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग क्या करते हैं कि 2 दिन प्रोग्राम करने के बाद में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लीडर मानते हैं। क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ लीडर मानते हैं। अगर आपने यहाँ प्रोग्राम करवा दिया तो आप यहाँ के लीडर हो गए, आप सिरोही जिले के लीडर हो गए, ऐसा नहीं। आपको सीखते सीखते बहुत टाइम लगेगा, बहुत सी ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको संगठन के साथ रहना पड़ेगा, सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा, हर तरीके से सीखना पड़ेगा, फिर आप एक समाज के लीडर बनोगे, आपको काफी टाइम लगेगा। हमारे लोगों को ये तक पता नहीं है कि आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या होता है? हमारे लोगों को ये तक नहीं पता है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है। हमारे लोगों को जब भी किसी लोगों ने बताया है तो उन्होंने कहा है आदिवासी वो लोग हैं जो पत्ते बांधते हैं। कौन है? पत्ते बांधते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, आदिवासी मूवमेंट कह रहा है और हमारी परंपरा पुस्तनी जो शब्द है वो है आदि काल से वास करने वाला व्यक्ति। आदि काल से वास करने वाला व्यक्ति आदिवासी। कौन है? आदिवासी। और आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। आपको समझ में आ गया होगा सीधी भाषा, मैं कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। इस धरती पे जब कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ, जब कोई देवी देवता पैदा ही नहीं हुआ, जब कोई धर्म पैदा ही नहीं हुआ, उस टाइम से इस धरती का जो मूल बीज है वो आदिवासी है। जब कोई इंसान पैदा हुआ वो आदिवासी पैदा हुआ, और वो आदिवासी कौन है? वो हम है। कौन है? हम है। जब आप कह रहे हो ना जय जवाहर का मतलब क्या होता है? आदिवासी भील। जब कोई देवी देवता थे ही नहीं तो पूजते किसको थे? पूजते थे इन पेड़ को, इन आसमान को, इस धरती को, इस नदियां को, इस सूरज को, चांद को, तारों को। किसको पूजते थे? हमारे लोग जब मंदिर ही नहीं थे, सिस्टम ही नहीं था, कोई झंडा ही नहीं था, जब कोई देवी देवता पैदा ही नहीं हुआ, जब कोई भगवान पैदा ही नहीं हुआ, तो आदिवासी किसको पूजते थे? आदिवासी इस प्रकृति को पूछते थे। किसको पूछते थे? ये बात कोई बनाई हुई नहीं है, आपको अंदर की आत्मा से समझनी होगी और लोगों को समझाना होगा। हम लोग आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, और आप ध्यान रखना है कि आदिवासी शब्द का अर्थ है आदिकाल से वास करने वाला व्यक्ति आदिवासी है, आदिवासी भील है। और मैं आपको कहना चाहता हूं जय जवाहर का अर्थ आपको पता ही है, प्रकृति की जय, कल्याण करने वाले सबकी जय। उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, आसमान सूरज नदियां सब आ जाती है। और मैं आगे की घड़ी में कहना चाहता हूं कि जब तक जोधपुर जीतू भील नाम है, और जो राणा शब्द है नहीं आप रो आ एक बीमारी है, मैं एक ध्यान रख दो दादा गलत तो नहीं कहूं, आ एक बीमारी है, नहीं तो कोई जात है, नहीं कोई गोत है, आ एक बीमारी है। और आ थोर बच्चन डूबेला लेन एक दिन कही करेला, आ एक बीमारी है। राणा पूंजा का नाम महान राणा पूंजा होना चाहिए था, नहीं सॉरी महाराणा पूंजा, महान पूंजा भील होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहां से सोचो आप, प्रताप एक अलग नाम है। महान कौन था? जिसने युद्ध जीता, देश को जिताया, जिन्होंने जंग लड़ी, महान कौन थे? पूंजा भील, महान। मगर क्या किया लोगों ने उस शब्द को हटाने के लिए? आपको एक झूठा मूठा क्या शब्द है ये, हमें किसी किताबों में नहीं लिखा होगा स्पेशल शब्द है, मगर वहां लगा दिया राणा पूंजा भील। जब हमारा महान शब्द तो हट गया,
आप समझ रहे हो ना। और आप जो ये राणा लगा रहा, ये क्या है, गोत है क्या, क्या आपकी जाति है क्या? हमारे जय जवान जय आदिवासी, कोई गलती हो तो माफी दे।